जहानाबाद जिले के मुखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव, लिंग पूजा और मां दुर्गा को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। करीब 3 मिनट के वायरल वीडियो में सतीश दास द्वारा हिंदू देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करते हुए साफ देखा और सुना जा सकता है। एक चीज बताइए आप लोग, हमारी सब माँ बहने बैठी है, शिव के मूर्ति को पूछते हैं कि उसके लिंग को पूछते हैं? बताइए किसको पूछते हैं? तो एक चीज बताइए कि जिस समाज में लिंग का पूजा होता है वो समाज से भी बेसर कोई समाज होता है? बताइए, उस लिंग को छूने से हमारी माँ बहन या जो भी छूता होगा उसको भक्ति का भावना आएगा कि दूसरा चीज का भावना आएगा? दिल से सोच के बताइए। लेकिन हम अपने समाज को इस अंधकार से निकालना नहीं। ये होलिका कौन थी आप जानते हैं? ये होलिका हमारी घर की बेटी थी और मुट्ठी भर जो तोंद वाला जो लोग है वो लोग उसके साथ दुराचार किया, बलात्कार किया और उसके बाद पूरा गांव का लकड़ी जमा कर करके उसको जिंदे जला दिया। और जिंदे जला दिया उसी को हमारे एक साल हमारी घर की लड़की बेटी जलाई गई और हम उसी को हर एक साल हम मनाते हैं होली के रूप में। ये तो भैंसुर भी भाभू के जाकर के गाल में छू छू के पूरा रंग लगाता है कि नहीं लगाता? ससुर भी पुतोह के जाकर के गाल में रंग लगाता है और कहता है बुरा ना मानो होली है। अरे भैया बुरा तो कर दिया, अब माने भी नहीं करता। दुर्गा कहीं दुनिया में और कहीं है क्या? है, दुर्गा भारत में है। वो दुर्गा शेर पर सवार है लेकिन दुर्गा के रहने के बावजूद भी 7 साल 8 साल 6 साल के बेटी के साथ बलात्कार कैसे हो जाता? वो दुर्गा क्या कर रही है? सिर पे खाली बैठे से काम चलेगा? क्यों बलात्कारी का सजा देना पड़ेगा? तो इसलिए आप ये सब तमाम भोग ढकोसला से बाहर निकलिए। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद सतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो 4 साल पुराना है। इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा जब हम छुआछूत और अंधविश्वास भगाने के लिए समाज में घूमते थे ये वीडियो उस वक्त का है। लेकिन उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराते नजर आए। उन्होंने कहा कि आज 33 करोड़ देवी देवताओं के रहने पर भी यहाँ भुखमरी है, अपराध बढ़ रहा है, बच्चों के रेप होते हैं, ऐसे में इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। न्यूज़ डेस्क।